Hello and welcome back to my channel Grateful Life. Today I am going to prepare लौकी का हलवा in a very quick and easy way. लौकी बहुत versatile vegetable है. इसका करी and कोफ्ता जितना मस्त बनता है and in the same way इसका sweet dish भी बहुत अच्छा बनता है. तो आज मैं लौकी का हलवा बना रही हूँ. बहुत easy steps है and बहुत amazing बनता है. So let's start with the recipe. तो इसके लिए बहुत बेसिक सा इंग्रेडिएंट्स चाहिए. देखिए मैंने फ्रेश वाला लौकी ले लिया है बिल्कुल, एंड बेबी लौकी ही लें, ज्यादा हार्ड वाला ना लें. साथ में थोड़ा सा देसी घी एंड थोड़ा सा मेरे पास खोआ है एंड सुगर, थोड़ा सा इलायची एंड नट्स. आपके पास कोई भी नट्स आप ले सकते हैं. एंड इसके साथ मैंने हाफ लीटर मिल्क लिया है. आप चाहे तो ज्यादा मिल्क भी ले सकते हैं एंड अगर आपके पास खोआ नहीं है तो आप ज्यादा मिल्क से भी बना सकते हैं. बहुत यमी रेसिपी है एंड थिक सा टेक्सचर देने के लिए मेरे पास अमूल पाउडर था तो मैंने थोड़ा सा मिल्क पाउडर भी लिया है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट स्टेप हमें इसे ग्रेट करना है एंड आप एक ग्रेटर ले लें एंड इसे ग्रेट कर लें. एंड इसे बिल्कुल भी ग्रेट करके रखें ना, अदरवाइज ये ब्लैक पड़ जाता है. तो जब भी आपको हलवा बनाना हो तो झटपट से ग्रेट करें एंड झटपट से बना लें. तो चलिए मैं इसे ग्रेट कर लेती हूँ. तो मैंने ग्रेट कर लिया है एंड पैन चढ़ा दिया है. इसमें मैं 2 टेबलस्पून घी डालूंगी. आप रिफाइंड में ना बनाएं ये वाला, ये घी में ही अच्छा बनता है. जस्ट ऐड द लौकी एंड इसे घी में अच्छे से मिक्स कर लें. मैंने घी में इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है. नाउ ऐड द शुगर. मैंने इलायची भी इसके साथ क्रश करके डाल दिया है. नाउ मिल्क पाउडर. अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं. जितना आपको गाजर का हलवा अमेजिंग लगता है ना, बिलीव मी लौकी का हलवा भी बहुत अमेजिंग रेसिपी है एंड कितना हेल्दी है हमारे बॉडी के लिए. मेरे पास 1/2 बॉल ऑफ मावा है, वो भी मैं ऐड कर दूंगी. इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है. तो ये तो घर का बना हुआ मावा है, आप मार्केट से भी ले सकते हैं. आप मिल्क मैट भी ऐड कर सकते हैं इसमें. नाउ ऐड द मिल्क. अब इसे अच्छे से बॉईल आने दें एंड जब ये थिकन हो जाए, गाढ़ा हो जाए, तब मैं आपको दिखाती हूँ फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करना है. जस्ट सी द टेक्सचर. अभी बस 5 to 7 मिनट हुआ है इसे बॉइलिंग प्रोसेस में, तो कितना थिकन होना स्टार्ट हो गया है. तो बस मोस्टली 10 to 15 मिनट में ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा. तो देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा हो गया है. तो इसे बिल्कुल आप गाढ़ा कर लें. सी इसे 15 मिनट ऑलमोस्ट हो गए हैं एंड ये बिल्कुल थिकन हो गया है. क्या मस्त लग रहा है ये. बिल्कुल खोवा का टेक्सचर, मिल्क पाउडर का टेक्सचर इसे बहुत जल्दी थिकन कर दिया है. तो चलिए इसे मैं आप सर्व करके दिखाती हूँ. ये एक्चुअली ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ा हो जाता है, जम जाता है. तो मेरा हलवा तो रेडी है, तो मैं इसे आप सर्व करती हूँ. मेरा अमेजिंग सा हलवा बिल्कुल रेडी है. सी द टेक्सचर, क्या मस्त लग रहा है. देखिए इसकी कंसिस्टेंसी एंड टेक्सचर, बिल्कुल है ना माउथ वाटरिंग. एंड मैंने इसे ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दिया है. सो डू ट्राई माय रेसिपी. आई विल बी बैक विद अ न्यू वीडियो. टिल देन बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.
मेरा अमेजिंग सा हलवा बिल्कुल रेडी है। सी द टेक्सचर, क्या मस्त लग रहा है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी एंड टेक्सचर, बिल्कुल है ना माउथ वाटरिंग। एंड मैंने इसे ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दिया है।